लगभग आधा रावण का पुतला बन चुका है, कुछ समय और लगेगा कंप्लीट होने में। पूरा दिखा दो यहाँ से, यहाँ पे, यहाँ पे इसका सिर रहेगा। घास-फूस लगा करके इसको तैयार करने में टाइम लगेगा। लगभग 80% रावण कंप्लीट हो चुका है। अब उसका दशानन का जो सिर है, मस्तक, वो लगने जा रहा है। ये मैंने बनाया है मस्तक। वैसे पूरा रावण जो है वो भी मैंने ही बनाया है, लेकिन इसका जो मुख है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मस्तक पे जो अपना सिंबल है, मुख्य जो अपना वाक्य है जय हिंद, वो अंकित है। होना यहाँ जय श्री राम चाहिए था, जय श्री राम भी हम अंकित करेंगे, पर अब हम इस मस्तक को सेट करते हैं, लगाते हैं। तो मस्तक लगाने के बाद हमारा जो रावण है वो इस प्रकार से दिखेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अभी इसको और तैयार करते हैं, पूरा मस्तक को फिक्स करते हैं। मेहनत की दी। ये जो काम करनी है, ये जो काम करनी है, इसको हम, ये पहले मस्तक बनाने वाले थे इससे रावण का, लेकिन मस्तक नहीं बना पाए। मस्तक हमने देखो कितना शानदार मस्तक बनाया है, देखने वाले को मजा आ जाएगा। रावण के अंदर जोश है, जुनून है, और उसी को जोश और जुनून के साथ साथ पाप बढ़ गया था उसके मन में। इस वजह से श्री राम जी ने उस पाप को नष्ट किया था। तो रावण तो जिंदा है, लेकिन उसके अंदर से पाप जो था वो नष्ट कर दिया। तो पाप के साथ ये जो मस्तक था वो भी खराब, इसको भी नष्ट कर देते हैं। यह गया, और ये हमारा पूरा जो पूरा दिन जो लगा इसको बनाने में, 1 दिन और 2 घंटे, मतलब 2 दिन का समय लगा बनाने में का, बन के तैयार हो चुका है। अब हमें धनुष और बाण की व्यवस्था करनी है और श्री राम को प्रकट करना है। उसके बाद हम आपके सामने रावण का दहन दिखाएंगे। तो मिलते हैं, जय हिंद, भारत माता की जय। श्री राम की जी की चरण पादुका बन रही है, लाइक कमेंट करें।
भगवान श्री राम के रोल में रहना है, तो हमें जो है सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है मुझे, आज उनको भी हम त्याग रहे हैं कुछ समय के लिए। इतना बड़ी जो कुर्बानी दे रहे हैं, इतनी बड़ी जो कुर्बानी दे रहे हैं, तो लाइक और कमेंट होना चाहिए। आज आज जो हमारी है कुर्बानी, आज MR इंडियन बॉय की तरफ से रावण के पुतले का दहन रखा गया है। आपके सामने जो विशाल का है, जो रावण की प्रतिमा है, उसको 4 दिन लगे बनाने में, और MR इंडियन बॉय की तरफ से जो ये बहुत बड़ी पहल है, खरदेवला गांव के अंदर यहाँ पर पुतले का दहन किया जा रहा है। पास पास में सबसे छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे जो यहाँ पर आए हुए हैं, लव कुश की तरह सब दिख रहे हैं। ये सभी रावण को जलाना चाहते हो? अरे जलाना चाहते हो? ये बुलंद आवाज के साथ सभी चाहते हैं कि रावण यानी कि पाप दोष अहंकार का समापन हो, नष्ट हो, और प्रजा जो है वो सुखी रहे, आनंदमय रहे और खुशहाल रहे। इसी कामना के साथ जो इस रावण पुतले का दहन किया जाएगा, वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसको शेयर जरूर करें। जय जय श्री राम। सब आ जाओ, इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ, अभी जला नहीं रहे, सब इधर आ जाओ, वीडियो में हो गया, आप सब आ जाओ। यहाँ रखिए, इसका भी वीडियो लेना, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है। ठीक लग रहा है बेटा कॉस्ट्यूम? अरे बोलो तो सही रे। अरे यस सर नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम। झुकना नहीं चाहिए, थोड़ा खड़ा कर दो, ये मुझे देख रहा है। सबका ले, सबका आना चाहिए, आप चलाए यार। आराम बड़ा कर दिया, नहीं होना, दो तीर खाली जाएंगे, तीसरे या चौथे में वध होगा, ठीक है?
शॉट तो लग रहा है पर मारना नहीं है। डबी जो शामा तैयार हो जाओ उसके लिए, वो लास्ट वाले के लिए। एक जना तैयार, इसमें आग लगा। आइए, नमस्कार नमस्कार। अरे यार हाथ पावर बोल दे रहा हूँ। पाप का और अहंकार का नाश हुआ रावण के साथ, और फिर से अगली बार इससे भी काफी अच्छा रावण और काफी अच्छा। आज अहंकार का पतन हुआ रावण के साथ, और इसी प्रकार जो लोगों की जो भीड़ है, ये भीड़ और ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे, लवकुश की उम्र के जो बच्चे हैं, इन सभी की खुशी से ये लग रहा है कि ये जो रावण का जो अंत हुआ, पुतले का दहन हुआ, वो काफ़ी सार्थक रहा, काफ़ी आपको भी एंजॉय अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबका ले लो, सबका ले आ जाओ उनको ओ ये बेटा, आ जाओ तुम छोटे भी आ जाओ, इधर आओ नहीं पढ़ू लाइक वो छोटा बेटा है उसको भी बुलाओ। आ जाओ बेटा, कौन है यार? सब आ जाओ बेटा, सब आ जाओ। आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ, आ जाओ सब आ जाओ यार। युवराज आ जाओ, ट्विंकल आ जाओ। अरे कन्हैया, और उधर भी घुमाना, रावण जल रहा है अभी तक, उधर भी घुमा के बताना रावण अभी तक जल रहा है। ऊपर दिखाओ, अब आ जाओ कार्यक्रम। और कैसे होना चाहिए, हम तो खुश हैं। ठीक है साहब, वाह साहब, बाबू फोटो बढ़िया लीजिए जो हमारे।
लगन लगा मत भैया आयो मैंने बताओ ए मैंने बताओ मैंने बताओ जो चाहिए हो ये बा अच्छे नहीं था ये मारो आयो नहीं आयो हां चाहिए देखो बताओ मुनि साले ला भी राम भगवान सलावे ला जी साले ला वाह वाह धनराज।